तो यार तो आने वाली मांगा में कुछ तो काफी शॉकिंग और ब्रूटल हुआ है। वेल, मेरे लिए शॉकिंग नहीं था क्योंकि 2-3 चैप्टर पहले ही वो वाइब्स आने लगे थे कि शायद इसका आना कहीं ना कहीं तय है। टाइटल से थंबनेल से आपको पता लग ही चुका होगा आखिर कौन आने वाला है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टोरी के, वो आप लोग को 20 तारीख को सब पता लग जाएगा, लेकिन कुछ स्पॉइलर्स बताऊंगा। पहली चीज ये कि फ्रीजा आ चुका है प्लैनेट सीरियल पर। दूसरा, फ्रीजा ये बार न्यू फॉर्म के साथ आया है। तीसरा, ये वो न्यू फॉर्म माना जा रहा है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो से भी ज्यादा ऊपर है, जो करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स हैं, यानी कि गैस और ग्रेनुला, उन दोनों से भी ऊपर है। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर फ्रीजा ने अचानक में ऐसा क्या कर लिया जो इतना ऊपर आ गया। किसने दिया उसको ये न्यू फॉर्म? किसने सिखाया उसको ये न्यू फॉर्म? आखिर फ्रीजा इतने दिन से कहां था और प्लैनेट सीरियल पर आने का फ्रीजा का मकसद क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल बन के रह चुका है। और खैर, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए 70% मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि फ्रीजा अभी के वक्त में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स है, यानी कि वॉरियर्स की लिस्ट में फ्रीजा का नाम सबसे ऊपर है। और जो इस फॉर्म का कलर है वो है शायद ब्लैक और शाइनी सिल्वर का कॉम्बिनेशन। हो सकता जिधर जिधर आप ब्लैक हिस्सा देख रहे हो वो माना जा रहा है ब्लैक होगा, और जो रेस्ट ऑफ द एरिया आप उसके बॉडी में देख रहे हो उसे माना जा रहा है कि वो शाइनी सिल्वर होगा। खैर, अभी तक ऑफिशियली कोई नहीं जानता आखिर रियल में कलर्स क्या होंगे, लेकिन जिनका तजुर्बा अच्छा है ड्रैगन बॉल में, जो फैन आर्टिस्ट हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ, ये शायद ब्लैक फ्रीजा हो सकता है। और आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि फ्रीजा का न्यू फॉर्म अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर है? खैर, पिछली वीडियो में तुमने मेरे देखा कि गोकू और वेजिटा फुल हील हो चुके हैं, पूरी तरीके से उनका A to Z स्टैमिना रिकवर हो चुका है, तो इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फ्रीजा के एक ब्लो से गोकू और वेजिटा का स्टैमिना का भी स्टैमिना खत्म हो जाता है। और गैस का तो मैं क्या ही बोलूं, गैस की हड्डियां भी बचती है या नहीं वो आप लोग 20 तारीख को देख लोगे। तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर है जंप टास्क, जो आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आए हैं जो कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है। उसमें आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके साइन अप करना है, जिससे आपको ह्यूज रिवॉर्ड मिलेगा। सो बी श्योर टू बी फर्स्ट टू साइन अप, क्योंकि रिवॉर्ड्स काफी लिमिटेड है। अगर आप बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी यूजफुल है, इससे आप बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली टास्क कंप्लीट करने हैं, जैसे कि हनी गेन को डाउनलोड करो या कोई गेम खेलो। आपको टास्क कंप्लीट करने पे जंप टोकन्स मिलेंगे। जंप टोकन इनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, और सच बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन काफी इजी टू यूज है एंड काफी ट्रस्टेबल भी है। और अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी, जो मुझे पता है कि लगेगी, तो आप इसे प्ले स्टोर पे अच्छे रिव्यू भी दे सकते हो। तो जाओ सोशल मीडिया पे, बैठे बैठे स्क्रॉलिंग करने से बेटर ये है कि इसमें आप अर्निंग करो। सो गो एंड डाउनलोड जंप टास्क, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो मोटिव क्या है फ्रीजा का प्लैनेट सीरियल पर आने का, सडनली उसे क्यों अपीयर होना पड़ा। जो मेरा रीजन है, शायद वो एलेक को लेके जाएगा, बोलेगा या तो अपनी जान दो, या तो वो 7-3 को जिसको तुमने बंद कर रखा है उसको दो, या तो फिर एलेक और फ्रीजा के पर्सनल इश्यूज होंगे। खैर, मैंने जहां तक देखा है पर्सनल इश्यूज ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि एलेक बार बार ये गैस को कह रहा था कि उन्हें फ्रीजा को मारना है। तो हो सकता है कि ये खबर फ्रीजा को लगी हो कि क्यों बेटा, बाप को मारने को ढूंढ रहे थे तुम लोग, मेरी सुपारी दे रहे थे मुझे मारने की, इतने बड़े हो गए तुम लोग, इतनी हैसियत बढ़ गई तुम्हारी इस यूनिवर्स में। तो ये सब सुनने के बाद हो सकता है कि फ्रीजा ने तय किया हो कि चलो इन लोगों का, जो इनके हेटर्स ग्रुप के पांव जो इतना आसमान में उछल रहे हैं, क्यों ना इनको और उछाला जाए और इन्हें इनकी जगह दिखाई जाए कि अभी भी तुम इस लेवल पर नहीं हो कि तुम मुझे मारने का प्लान बनाओगे। और पहले भी नहीं थे, एक दो मामूली फाइट क्या कर ली, इनका प्लान बनने लगा मुझे मारने का। और एलेक का क्या रिएक्शन होता है फ्रीजा को देखने के बाद, समझ लो एलेक की पैंट गीली नहीं होती, बस उतना ही बाकी रह जाता है। फ्रीजा को देखकर एलेक का कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज आव भाव बदल जाते हैं। वो होता है ना, अरे नहीं फ्रीजा, हमने तो कुछ प्लान ही नहीं बनाया था, हम तो तुम्हारे लिए हमेशा से वफादार थे। एंड फ्रीजा भी लाइक, अच्छा बेटा, इतने वफादार थे कि मुझे ही मारने का प्लान बना रहे थे। तो ऐसा कुछ रिएक्शन था फ्रीजा का और एलेक का भी। खैर, एक और बात बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज बताना था आप लोग को। आप सब जानते होंगे 26 अगस्त को
ऑल ओवर इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी आ रही है, तो आई होप आप सब लोग उसे देखने जाओगे। एंड क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ मीटअप के लिए। समझ लो मीटअप करना मेरा पूरी तरीके से तय है मुंबई में। और ये बार मैं सिर्फ अकेला नहीं होने वाला, मेरे साथ साथ ऑफिशियल से लेके दूसरे कॉन्टेंट क्रिएटर जैसे एनिमे टीएम, नेगस सेयन, क्रिएटिव लड़का, डीबीएस क्रॉनिकल्स, इनसेन टीवी और एंड केन जायरो भी रहेंगे। तो काफी ह्यूज और अलग लेवल का मीटअप रखने वाले हैं हम मुंबई में। आप सब लोग जो मुंबई में रहते हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि 26 तारीख को अगर आप मुंबई में रहते हो तो हमारे मीटअप में जरूर आना आप लोग। लोकेशंस मैं 20 तारीख को आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा कि मुंबई में कहाँ पे आना है। लेकिन अगर आप एक ड्रैगन बॉल फैन हो तो आपको आना है। आओ साथ में मिलके इसे बड़ा बनाएं और छोटा भीम वालों को दिखाएं कि एनिमे इन इंडिया क्या है। और ये मीटअप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक सोनी एंड क्रंची रोल ऑल्सो, जिस सिनेमा में हमारा मीटअप रहेगा उसमें उनको एक क्लियर एंड कट मैसेज जाएगा कि एनिमे की ऑडियंस इंडिया में कम नहीं है। बॉलीवुड की मूवी एक टाइम पर फ्लॉप हो जाएगी लेकिन एनिमे की नहीं। इससे होगा ये कि हर जापानीज एनिमे मूवी इंडिया में आएगी और हिंदी डब के भी काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। एक क्लियर मैसेज जाएगा कंपनीज को कि एनिमे फैंडम का पावर क्या है। और थिएटर में जितने लोग भी आना कोशिश करना, मतलब जरूरी नहीं है कोई भी एनिमे की प्रिंटेड टी शर्ट पहन के आ जाना, जिससे लगे कि हाँ एनिमे फैंडम यूनाइट हुआ है। देखो जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है। लेकिन देखो जैसे हमने सबने आजादी का महा उत्सव बनाया था रिसेंटली, अब हमारी बारी है एनिमे का महा उत्सव बनाने की। आप कहीं भी रहते हो लेकिन जब ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी देखने जाओगे तो कोशिश करना एनिमे की टी शर्ट पहन के जाओ। कोई सा भी एनिमे, बस उसमें प्रिंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ट्राई करो। और जो लोग मुंबई से हैं, आप लोग 20 तारीख का वेट करो, आपको लोकेशंस मिल जाएंगे कि मीटअप हमारा सबका कहाँ पे होने वाला है, जिसमें ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर और ऑफिशियल्स रहेंगे। आप डायरेक्ट ऑफिशियल से बोल सकोगे कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, डबिंग किस चीज की होना चाहिए, किस चीज की नहीं होना चाहिए, आप सब सामने से बोल सकते हो उन्हें। तो सिर्फ 20 तारीख का वेट करो, मैं आपको लोकेशन दे दूंगा। आई होप ये बार हम दिखा देंगे सारी कंपनीज को उनके आंखों के सामने कि एनिमे फैंस की बात अलग है, इसलिए हैशटैग एनिमे का महाउत्सव। एनीवेज अब मैं वीडियो पर आता हूँ। खैर क्या ये सच है कि फ्रीजा ये टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स है? फिलहाल के लिए तो सच है, ध्यान देना मैं फिलहाल कह रहा हूँ। लेकिन मेरी इस पे एक और थियरी ये है, फ्रीजा कुछ वक्त के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, कोई एक और एक नया कैरेक्टर आने वाला है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि फ्रीजा टेम्परेरी है, कोई दूसरा विलेन आएगा जो फ्रीजा, वेजिटा और गोकू तीनों को आउटप्ले करेगा। और न्यूज ये भी है, ये महीने का चैप्टर आखिरी चैप्टर होने वाला है ग्रेनोला की मांगा का। फिर सितंबर में कोई भी ड्रैगन बॉल की मांगा नहीं आने वाली, सीधा अक्टूबर से मांगा को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये महीना इस आर्क का आखिरी महीना है और अक्टूबर से ड्रैगन बॉल सुपर का नया आर्क शुरू होगा मांगा में। खैर आज के लिए बस इतना ही, 20-21 तारीख को मांगा आ जाएगी ड्रैगन बॉल सुपर की। और यप, मेरी बात पर ध्यान देना, 26 अगस्त को इंडिया में एनिमे का महा उत्सव रहेगा। तो आप लोग सब लोग का फर्ज है कि आप लोग थिएटर्स में जाके मूवी को देखो। और मुंबई में हमें ये बार रिकॉर्ड ब्रेक करना है कि एक रिकॉर्ड बन जाए जिधर हमारा मीटअप रहेगा, कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किधर एनिमे क्राउड गैदर हुआ था तो वो मुंबई में इस लोकेशन पर हुआ था। तो मुंबई से जो लोग हो भाई यार, सीरियस हो जाओ, मीटअप के लिए ऑफिशियल्स को दिखाना पड़ेगा कि एनिमे फैंस का पोटेंशियल क्या है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।